ऑब्जेक्टिव शीट 17 का फिफ्थ क्वेश्चन है, ब्लॉक जिसका मास 1 kg है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स ऊपर की तरफ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दैट विल जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग। ये वर्ड ना ढूंढ लिया करो, जस्ट, जस्ट स्टार्ट का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जस्ट, मैंने बोला था आपको बहुत जस्ट जस्ट करते हैं फिजिक्स वाले, तो जस्ट स्टार्ट मूविंग एक्सेलेरेशन जीरो। तो डायग्राम क्या बनेगा, तो ये डायग्राम बनेगा, आपने एफ फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे लगाई, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस 60 हो गया, एफ साइन 60 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, वेट एम जी हो गया, और क्योंकि ब्लॉक आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है वो अलग बात है कर नहीं पा रहा, कौन इसको आगे लेके जा रहा है, एफ कॉस 60, पीछे कौन है, फ्रिक्शन। तो आपने इसमें करना क्या है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर पा रही, इसका मतलब एफ इंटू कॉस ऑफ 60 बैकवर्ड फ्रिक्शन के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब अगर आगे और पीछे की फोर्स बराबर हो जाए तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो, यही रूल बताया था। तो इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों की फोर्स इसके इक्वल कर दें, यानी कि आर प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू एम जी, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, एम जी माइनस एफ इंटू साइन ऑफ 60। तो यहां पर पुट करते हैं, एफ इंटू कॉस ऑफ 60 म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, एफ इंटू कॉस ऑफ 60 म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ इंटू साइन ऑफ 60। तो यहाँ पर एफ हमने निकालना है, कॉस 60 हमें पता है, म्यू की वैल्यू हमें पता है, मास की वैल्यू 1 kg हमें पता है, जी भी पता है, एफ निकालना है √3/2। सॉल्व करो, एफ की वैल्यू आनी चाहिए 5.36 न्यूटन, वेरीफाई करो प्लीज, यही आ रही है। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कि करना क्या है, इसमें वही सेम चीज़ पुश और पुल के एग्जांपल्स हैं और कुछ भी नहीं है, जिनको पुश और पुल आ गया सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना तक। अच्छा ये कैसे पता लगा कि ये पुल हो रहा है, पुश क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्या लिखा हुआ, उसे बोला ही नहीं पुश या पुल, हाँ फोर्स अपवर्ड्स है, क्योंकि अगर मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो मैं पुल कर रहा हूँ, अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो मैं पुश कर रहा हूँ, अगर ये वर्ड डाउनवर्ड होता तो मैं यहाँ वेक्टर लगाता, अपवर्ड है मैं यहाँ लगाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के जो ये जो कुछ खास कीवर्ड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट जस्ट करना, डाउनवर्ड अपवर्ड करना, ये बता रहे हैं कि पुश या पुल है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पेपर में नहीं पता लगेगा अरे ध्यान से नहीं पढ़ा तो, प्रैक्टिस है ना, दिमाग से पूछोगे तो सही कि पुश क्यों किया या पुल क्यों नहीं किया, तो पता तो लगे कैसे पता लग रहा है, ठीक है यहाँ तक। मेथड समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को करना है, सेवंथ क्वेश्चन करके दिखाना है, सेवंथ चेन वाली प्रॉब्लम है, चेन वाली प्रॉब्लम चेक करो, आज की थी हमने, उसी चेन वाली प्रॉब्लम को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आज हमने चेन वाली प्रॉब्लम की थी, इसमें म्यू की वैल्यू गिवन है 0.25। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कितने लोगों का ये आंसर आ गया, चेन थी याद करो, चेन पड़ी हुई है इसके ऊपर, चेन लटक रही है, मैक्सिमम लेंथ चेन की कितनी लटक रही है, वाई मैक्स, चेन का मास एम है, चेन की लेंथ एल है,
तो क्या बताया था, इसका वेट क्या होगा, एम बाई एल इंटू वाई मैक्स इंटू जी, और इसका वेट क्या होगा, एम बाई एल एल माइनस वाई मैक्स इंटू जी। तो ये क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 कितनी थी, चेक करना, 0.25 है, तो आपको बताना है कितना फ्रैक्शन हवा में लटक रहा है चेन का, आपको ये निकालना है। तो कितनी चेन हवा में लटक रही है, वाई मैक्स, और फ्रैक्शन ऑफ चेन कितनी लटक रही है, वाई मैक्स को एल से डिवाइड कर देंगे, ये निकालना है। फ्रैक्शन यही हुई ना, कितनी चेन हवा में लटक रही होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, वाई मैक्स अपॉन एल। अब मैंने आपको रूल तो बता ही दिया था कि जो नीचे की जो फोर्स है, जो चेन को नीचे लेके जा रही है, वो ये फोर्स है, और पीछे की फोर्स क्या है, एफ। तो ये बराबर होंगे, चेन नीचे नहीं गिरेगी, तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम बाई एल इंटू वाई मैक्स इंटू जी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स इंटू जी। अभी करके दिखाया था मैंने ही सेम, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो यहाँ से वाई मैक्स की वैल्यू क्या आई थी, म्यू इंटू एल माइनस म्यू टाइम्स वाई मैक्स। तो यहाँ से वाई मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, म्यू कॉमन आ गया, ऐसे करो वाई मैक्स 1 प्लस म्यू कर लेते हैं इज इक्वल टू म्यू इंटू एल, पर हमें इसमें क्या निकालना है, वाई मैक्स बाय एल। तो यहाँ से एल नीचे ले आओ, तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आ गया, ये निकालना है फ्रैक्शन। म्यू आपको पता है 0.25, पर आपको परसेंटेज में निकालना है, तो इस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लो 20% आंसर आएगा। इसमें म्यू की जगह पुट कर लेना 0.25, यहाँ पर भी 0.25, तो चेक कर लेना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, 20% आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि चेन की प्रॉब्लम को कैसे अप्लाई करना है, इसमें सेम क्वेश्चन किया है, रिपीट है, वही सोल्यूशन है फिर से जो आपको बताया था, दो बार जान के किया है ताकि आपको एकदम पता लग जाए क्या किया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, चेन की प्रॉब्लम कैसे हैंडल करनी है। डाउट है, ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया, ये आ गया, आ गया 20% आ गया आंसर सबका, किसी का ना आया हो जाएगा, 20% आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने करना है इस शीट में, वो ये क्वेश्चन करना था, पर ये मैंने आपको करवा दिया आज, याद है, दो इंक्लाइन प्लेन थे, एक स्मूथ था और एक फ्रिक्शन थी, तो इसका ये आंसर आया था म्यू का टेन थीटा 1-1 बाई एन स्क्वायर, ये वही क्वेश्चन था, इसको टिक मार्क कर लेना, हो गया ये क्वेश्चन, ये नहीं करना अभी, चेन वाली प्रॉब्लम सेम रिपीट है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक नहीं करना है इसमें। अब जो करना है इसके बाद, एटींथ एटींथ में कितने लोगों ने ट्राई किया ये क्वेश्चन, वैसे किया हो गया, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब ये स्टैटिक क्वेश्चन की टेस्टिंग के लिए बहुत सही था। कैसे, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, मैंने फोर्स कितनी लगाई, 2.5 N लगाई, आपको बताना है इसमें फ्रिक्शन कितनी होगी। तो आपने इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट की, मैक्सिमम स्टैटिक, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, म्यू 0.4 है, नॉर्मल रिएक्शन 2g है, सॉल्व करके 7.8, यानी कि इस ब्लॉक को अपनी जगह से हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 7.8 चाहिए, पर आप कितनी लगा रहे हो, 2.5, तो फ्रिक्शन का ऑप्शन क्या मार्क करोगे, 2.5, और ये कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, ठीक है। 2 persons pull each other through a massless rope in tug of war game, तो tug of war खेल रहे हैं, आपको ये बताना है कौन जीतेगा, भाई जो ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि हारेगा कब, जो उसका पैर फिसलेगा, पैर क्यों फिसलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम पड़ गई, तो पैर नहीं फिसलेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा, जिसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है वो जीत जाएगा, ठीक है यहाँ तक।
तो बढ़िया जूते डाल के जाना जो खेलने हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रफनेस पर भी डिपेंड करेगा ना, तो रफ सरफेस लो ना। बंदे तो बराबर ले रहे हो खेलने वाले, उनका तो मास ही नहीं गिवन, टीम मेंबर तो सेम मास के लोगे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3-4। थर्ड में एक ब्लॉक 4 kg इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.80 है, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन अप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक क्या होगा। देखो पहले ये देखो, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.80 गिवन है, आपने इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई की, 30 न्यूटन अप्लाई की, 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, पर इसको हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, तो आप पहले मैक्सिमम स्टैटिक कैलकुलेट कर लो, म्यू इंटू क्या आएगा, 4g, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.80 इंटू 4 इंटू 10, तो आएगा 32 न्यूटन। बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 32 न्यूटन, पर तुमने कितनी लगाई, 30, ये बॉडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर फ्रिक्शन क्या होगी इसमें, 30 ही होगी, तो फ्रिक्शन 30 है, तो 30 फ्रिक्शन है। अरे तो ये फ्रिक्शन किसने लगाई, ग्राउंड ने लगाई, ग्राउंड ने एक और फोर्स लगाई नॉर्मल रिएक्शन, तो ग्राउंड ने एक और फोर्स लगाई नॉर्मल रिएक्शन, कितना, 4g, यानी कि 4 इंटू g 40। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्टेंट होती है, किसका रिजल्टेंट होती है, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का, तो आप इसमें ये पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे तो आंसर क्या मार्क करेंगे, 50। वो बोलेगा नहीं कि कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, बस वो बोलेगा कि ग्राउंड ने ब्लॉक पे क्या फोर्स लगाई। अब ग्राउंड तो दो दो फोर्स लगाता है, ग्राउंड तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगाता है, ग्राउंड तो फ्रिक्शन भी लगाता है, तो आपको नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, आंसर आएगा। वैसे भी उसने बोला भी ये, हिंट भी देने की कोशिश की, रिजल्टेंट निकालो, पता लग रहा था कि वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का ही रिजल्टेंट पूछ रहा है। कोई डाउट इसमें, बहुत चांस है क्वेश्चन गलत होने का इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। तो पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है जो 30 आएगी, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, फिर रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि जो ग्राउंड है वो दो दो फोर्सेस लगाती है ब्लॉक के ऊपर, एन बी और एफ बी, और फिर इसका रिजल्टेंट ले लेना है। ये क्वेश्चन हो गया ठीक। अभी आप ये क्वेश्चन, अभी आप जो क्वेश्चन करेंगे, ये रुक जाना है, अभी नहीं करना, सेवन्थ एट्थ, ठीक है।